हम सभी रमजान की हकीकत जानेंगे। रमजान एक महीने का नाम है जो हम मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। अल्लाह ताला रमजान के महीने में हम सबको दो खास चीजें दी है, पहला कुरान, दूसरा रोजा। हमको कुरान इसलिए मिला है कि हम सभी कुरान समझकर पढ़ें और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 184 में फरमाते हैं, इस रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा लोगों के लिए हिदायत और रहमत और फैसले की रोशनी में, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर रोजे रखे। कुरान करीम में पूरे जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह ने बताया है। जब हम कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं तो हमको हिदायत मिलती है, और जब हमको हिदायत मिलती है तो अल्लाह रहमत और बरकत भी देता है। और कुरान मस्जिद में दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब मिल जाता है जब हम कुरान को समझ कर पढ़ते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 182 में फरमाते हैं, हे ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे आगों पर फर्ज किए गए थे। जैसे कि रोजा को अरबी भाषा में सौम कहा जाता है, जिसका मतलब है रुकना तथा त्याग करना। हम ईमान वालों पर रोजा फर्ज है और रोजा रखना जरूरी है, और रोजा रख कर खाने पीने से रुकना है, और जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उसको त्याग देना है, मतलब कि छोड़ देना है। हमको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, चुगली नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, जलन नहीं रखना है। ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जिसको छोड़ देना है। और रोजा रखकर टीवी नहीं देखना चाहिए, रोजा में ज़्यादा समय सोकर नहीं बिताना चाहिए, और बुरी बातों के लिए ग्रुप बनाकर नहीं बैठना चाहिए। पति पत्नी को रोजे के समय हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, और अपने जिम्मे जो काम है किसी और को अपने काम की जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए कि ये सोच के कि आप रोजे से हैं। और कान को बुरा सुनने और आँख को बुरा देखने और जबान को बुरा बोलने से रोकना है। ये रमज़ान का महीना हमारी ट्रेनिंग का होता है, और आपको ट्रेनिंग कुरान मस्जिद को समझकर पढ़ने से मिलता है। और हमारा प्रैक्टिकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके हैं। हमको ये ट्रेनिंग पूरा करके बाकी के 11 महीने ऐसे ही गुजारना होता है। जब हम रोजे से हैं तो हमको सब्र करना है, क्योंकि यह सब्र जन्नत में लेके जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पेट भर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो वह व्यक्ति मुसलमान नहीं, ईमान वाला नहीं। तो हमको रोजा रखते हुए गरीब लोगों तक खाना, कपड़ा, जकात अपने से जितना ज़्यादा हो सके पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमको रोजे के दौरान अल्लाह ताला नई जिंदगी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस में फरमाते हैं, जो शख्स ईमान व यकीन के साथ रमजान में कयाम करेगा तो उसके अगले गुना माफ कर दिए जाएंगे। ये बात तो सोने पे सुहागा वाली हो गई। अल्लाह ताला हमको रोजे के दौरान नई जिंदगी दे रहा है, और उसके साथ हमारे अगले गुना को भी माफ कर रहा है। इसलिए जब हमको ये महीना मिले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, और अल्लाह चाहता है कि आप सभी जन्नत में रहें, इसलिए अल्लाह ने ये मौका आपको दिया है। और अल्लाह ने एक रात ऐसी भी बनाई है जिसमें जितना ज़्यादा इबादत उतना ही सवाब। अल्लाह ताला सूरह कद्र में फरमाते हैं, बेशक हमने उसे सबे कद्र में उतारा, मतलब कि कुरान, और तुमने क्या जाना सबे कद्र क्या है। सबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, उसमें फरिश्ते और जिब्रिल उतरते हैं अपने रब के हर हुक्म से हर काम को करने के
लिए और सलामती है सुबह चमकने तक। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान का महीना क्यों दिया। अल्लाह हम सभी को इन सब बातों पर अमल करने वाला बने।